हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यूपीपीसीएस मेंस 2017 का हिंदी का जो कंपलसरी पेपर था 150 अंकों का, उसमें संक्षेपण करना था एक गद्यांश का, तो उस संक्षेपण को कैसे करेंगे। साथ ही साथ पूरा पेपर हम देखने वाले हैं, क्या क्या पूछा जाता है इस मेंस के हिंदी के पेपर में, जो कि कंपलसरी होता है 150 अंकों का। और हम ये भी जानेंगे कि संक्षेपण कैसे करते हैं और शीर्षक किस ट्रिक से निकालते हैं, क्योंकि 5 नंबर का शीर्षक पूछा जाता है और 20 नंबर का संक्षेपण पूछा जाता है, और 5 नंबर का एक और क्वेश्चन होता है इस दूसरे गद्यांश से। तो इस दूसरे गद्यांश से 30 अंक का होता है, यानी 30-30 अंक के दो गद्यांश आते हैं इस हिंदी के पेपर में। तो हम पूरा ढांचा देखने वाले हैं 2017 के पेपर में क्या क्या पूछा गया था। वैसे दोस्तों, 2017 के दो पेपर हुए थे हिंदी के, एक पेपर जो आउट हो गया था उसे बाद में कराया गया था। तो इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में जो घंटी का आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे हमारे चैनल पे अपलोड हुए सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, 2017 का जो पेपर था दोस्तों हिंदी का, उसमें जो है 150 अंकों का था। सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं इसमें। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहते हैं, और ये चीज़ बहुत बेहद इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कि पत्र, प्रार्थना पत्र या किसी अन्य प्रकार के उत्तर के साथ स्वयं अथवा अन्य नाम, पता एवं अनुक्रमांक आदि ना दें। अनुक्रमांक निश्चित जगह पे फ्रंट पेज पे लिखना होता है, उसके अलावा कहीं नहीं लिखना होता है। आवश्यकता होने पर अगर नाम वगैरह लिखना है की आवश्यकता पड़ी तो नाम की जगह पर काखा गा लिख देना है दोस्तों। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है वो एक गद्यांश होता है। लिखा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो एक गद्यांश होता है, लगभग ये 200 शब्दों का होता है, और कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, का खा गा, और कभी कभी 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, घा। तो ये जो है पूरा गद्यांश दोस्तों, ये होता है 30 नंबर का, 10, 10 और 10। 3 क्वेश्चन होंगे तो 10 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे, 4 होंगे तो 5-5 के 2 होंगे, और 10 के 2 होंगे। आगे देखते हैं दोस्तों क्या होता है इसमें। अगला जो क्वेश्चन नंबर 2 होता है वो भी एक गद्यांश होता है। ये लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो ये भी 200 शब्दों के लगभग आसपास का है, 160-170 के आसपास का है, और इसमें 3 क्वेश्चन हैं। लिखा है ऊपर लिखित गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक चुनना है। तो पहले प्रश्न में शीर्षक है 5 अंकों का है। उसके बाद ऊपर लिखित गद्यांश के आधार पर श्रम का महत्व तो बताइए, क्योंकि श्रम के बारे में इस गद्यांश में दिया गया है, तो श्रम का महत्व तो आपको बताना है, लिखना है आपको। फिर लिखा है ऊपर लिखित गद्यांश का संक्षेपण कीजिए। तो संक्षेपण में दोस्तों आपको भी बताएंगे हम, इसी का करके दिखाएंगे कैसे संक्षेपण करना है। तो बने रहिएगा लास्ट तक हमारे साथ इस वीडियो में। और ये जो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये जो लिखा हुआ है श्रम का महत्व, दूसरा क्वेश्चन जो है इसको 20 से 25 या मैक्सिमम 30 शब्दों में ही आपको लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना होता है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो होता है, उसमें पत्र होते हैं, यानी अर्ध सरकार, 2 क्वेश्चन होते हैं 10-10 नंबर के, 5 पत्र हैं दोस्तों, सरकारी, अर्ध सरकारी इत्यादि होते हैं, नोटिफिकेशंस इत्यादि हैं, परिपत्र वगैरह। तो 5 में से अक्षर 2 पूछे जाते हैं, तो इसमें पूछा गया अर्धसरकारी पत्र और दूसरा है अधिसूचना, नोटिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 जो होता है उसमें एक शब्द की रचना करनी होती है उपसर्ग और प्रत्यय के द्वारा, ये भी 10 नंबर का होता है उपसर्ग और प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 5 विलोम शब्द होते हैं 10 नंबर के। 6 क्वेश्चन होता है वाक्य को शुद्ध करना है या शब्द को शुद्ध करना दिया होगा, वर्तनी को शुद्ध करना, ये भी 10 नंबर का होता है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7 वो होता है शब्द समूह के लिए एक शब्द, 5 दिए रहते हैं, प्रत्येक 2 नंबर का होता है, यानी 10 नंबर के पूरे होते हैं, एक वाक्य दिया रहता है उसके लिए एक शब्द चुनना होता है, शब्द समूह के लिए एक शब्द। और आखिरी जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो जो है मुहावरे और लोकोक्तियाँ होती हैं,
ये होते हैं 10 दोस्तों, प्रत्येक 3 नंबर का होता है, यानी टोटल सारे करने होते हैं 30 अंक के होते हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो 30 नंबर के मुहावरे लोकोक्तियाँ और 33 के दो गद्यांश, तो 90 नंबर तो दोस्तों यही हो गए। अगर आपने तीन बड़े पार्ट ढंग से तैयार कर लिए तो 90 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं दोस्तों कि इसका कैसे हमको ये जो संक्षेपण है वो कैसे संक्षेपण करना है। तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि कितने शब्दों का है ये। तो शब्दों के दृष्टि से हमने देखा है यह 160 शब्दों का है, लगभग 160 शब्दों का है। तो हमारा जो संक्षेपण होना चाहिए वो होना चाहिए 1/3 का, यानी लगभग 50 से 60 शब्दों के बीच में संक्षेपण हमारा होना चाहिए। फिर दूसरी बात हम करते हैं, सबसे पहले हम इसको कई बार पढ़ लेते हैं। 3 से 5 बार आपको ज़रूर पढ़ना है इसको। 3 से 5 बार आप पढ़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पहले तो इसका शीर्षक क्लियर हो जाएगा, शीर्षक क्लियर हो जाएगा। और शीर्षक के लिए एक ट्रिक मैं आप बताना चाहता हूँ कि पहले की जो 3 लाइन है और लास्ट की जो 3 लाइन है, इसको आप पढ़ लेंगे ढंग से तो शीर्षक आपको एग्जैक्ट पता हो जाएगा, अगर बड़ा पैराग्राफ है तो। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक कोई क्वेश्चन दे देगा, किसी महत्व पूछ लेगा, कुछ और पूछ लेगा, उपयोग पूछ लेगा, वो भी 5 नंबर का होता है, 20-25 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना होता है इसमें। तो आगे देख लेते हैं, अब शुरू करते हैं। जब हम 5-6 बार पढ़ लेंगे इसको, 4-5 बार, उसके बाद हम मेन मेन जो शब्द हैं उस पर अंडरलाइन कर लेंगे। मेन मेन शब्द हैं उस पर अंडरलाइन करते चलेंगे, जैसे कर भी रखा है देखिए। और उसके बाद जो इसमें मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं इत्यादि सबको हटा देंगे और एक पूरे पैराग्राफ का भाव लेके चलेंगे कि पैराग्राफ किसके बारे में कह रहा है। और हमको अतिरिक्त कुछ नहीं जोड़ना है अपनी तरफ से, जो भी पैराग्राफ का भाव है उसी के दायरे में रहना है। और जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उनको जोड़ते हुए हमको वाक्य बनाना है। इसी गद्यांश को हमको शॉर्ट करना है इसी भाव में रहते हुए। तो आइए देखते हैं कैसे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। देखिए लिखा है, शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष तो मिलता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, श्रम से उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। तो ये जो 3-4 वाक्य हैं इनसे सिर्फ एक वाक्य हम सिंपली संयुक्त करके बना सकते हैं। सभी का जो मेन मेन टॉपिक है, सभी वाक्यों का जो मेन मेन पॉइंट है अंडरलाइन किया हुआ, उनको जोड़ते हुए एक वाक्य बना लेंगे। तो आइए देखते हैं किस तरह से बनाएंगे। देखिए ये संक्षेपण बना रखा है, संक्षेपण में लिखा है कि शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष, स्वस्थ शरीर व बेहतर मांसपेशियाँ प्राप्त होती हैं। उसके बाद श्रमहीन मनुष्य का शरीर अनेक व्याधियों का घर बन जाता है। उसके बाद बौद्धिक विकास के लिए मानसिक श्रम भी आवश्यक है, क्योंकि बौद्धिक विकास से मनुष्य में चिंतन और साहस व उल्लास का निर्माण होता है। तो ये तो रहा संक्षेपण, ये है लगभग 50 से 60 शब्दों के बीच में। आइए देखते हैं वो पैराग्राफ है क्या, फिर एक बार संक्षेपण और देख लेंगे, उसी पैराग्राफ के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए लिखा है, शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष तो मिलता ही है, उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, श्रम से उसकी मांसपेशियां सुदृढ़ होती हैं। जो लोग श्रम नहीं करते आलसी बने पड़े रहते हैं, उनका भोजन तो पचता भी नहीं है और उनके शरीर में अनेक व्याधियाँ घर कर जाती हैं। शारीरिक श्रम हर एक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। देखिए अभी तक यहाँ पर शारीरिक श्रम के बारे में ही चर्चा हो रही है, तो यानी इसका टॉपिक शारीरिक श्रम की महत्ता हो सकता है अभी तक। फिर देखिए शारीरिक श्रम, इसका भाव भी शारीरिक श्रम के आसपास ही मंडरा रहा है। शारीरिक श्रम करने वाले लोग दीर्घजीवी होते हैं। शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम करने वाले का ही बौद्धिक विकास होता है। अब देखिए यहाँ ट्विस्ट आया, शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम की भी महत्ता यहाँ पे दिखाई जा रही है, क्योंकि शारीरिक लिखा है कि शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम करने वाले का ही बौद्धिक विकास होता है। वह गंभीर से गंभीर तथ्य सहज ही ग्रहण कर लेता है, यानी जो मानसिक श्रम करता है। विषम परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाने पर भी घबराता नहीं है, बल्कि साहस से उनका सामना कर लेता है।
तो यानी अब मानसिक श्रम की महत्ता भी बताई जाने लगी है इस पैराग्राफ में आगे बढ़ने के साथ साथ। तो शारीरिक श्रम का महत्व और मानसिक श्रम का महत्व। फिर आगे देखिए, वह हर एक समस्या का आसानी से समाधान कर लेता है। कौन? जो मानसिक श्रम व्यक्ति करता है जिसका बौद्धिक विकास हो चुका होता है। फिर मानसिक श्रम के महत्व को समझकर हमारे ऋषि मुनि चिंतन में लीन रहते हैं, यानी उनका बौद्धिक विकास हो जाता है तो वो चिंतन में हमेशा लीन रहते हैं, नई नई चीज़ें खोजा करते हैं जो समाज के लिए उपयोगी हो, उसके लिए लोगों को उत्साहित भी करते हैं। हमारा उपनिषद साहित्य हमारे मानसिक श्रम का ही परिणाम है। बिल्कुल सही है, ऋषि मुनियों ने चिंतन किया, चिंतन से बौद्धिक विकास होता है और बौद्धिक विकास होने के साथ साथ बहुत से हमारे प्राचीन साहित्य हैं उनकी उत्पत्ति भी इसी बौद्धिक विकास और यानी मानसिक श्रम से ही हुई है। तो इसका शीर्षक हो सकता है शारीरिक तथा मानसिक श्रम का महत्व, या लास्ट में इसमें शारीरिक श्रम के साथ साथ मानसिक श्रम को ज़्यादा, शारीरिक श्रम के ऊपर मानसिक श्रम को महत्ता दी है, तो मानसिक श्रम का महत्व भी हम इसे शीर्षक दे सकते हैं। तो एक बार संक्षेपण देख लेते हैं कैसा हमने बनाया था। तो देखिए संक्षेपण में देखिए सारी चीज़ें क्लियर हैं। संक्षेपण है, शारीरिक श्रम से मनुष्य को संतोष, स्वस्थ शरीर व बेहतर मांसपेशियां प्राप्त होती हैं। श्रमहीन मनुष्य का शरीर अनेक व्याधियों का घर बन जाता है। बौद्धिक विकास के लिए मानसिक श्रम भी आवश्यक है, क्योंकि बौद्धिक विकास से मनुष्य में चिंतन और साहस व उल्लास का निर्माण होता है। तो ये लगभग 50 से 55 शब्दों में संक्षेपण हुआ। और शीर्षक की बात करते हैं तो शीर्षक दोस्तों हो सकता है मानसिक श्रम का महत्व, और दूसरा शीर्षक हो सकता है शारीरिक व मानसिक श्रम का महत्व। दोनों शीर्षक सटीक बैठते हैं। ध्यान रहे कि शीर्षक 5 शब्दों से ज़्यादा बड़ा नहीं हो, कोशिश करें 5 या 5 से कम शब्द ही शीर्षक के रहें। तो दोस्तों ये था संक्षेपण के बारे में। आगे भी हम आने वाले वीडियो में संक्षेपण के बारे में बताते रहेंगे आपको, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आपके 30 से 40 नंबर कहीं नहीं जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट टाइम, बाय बाय।